तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो गुडलक मॉड्यूल है दोस्तों, उसके अंदर एक ऐप होती है जिसका नाम है वन हैंड ऑपरेशन ऐप प्लस। दोस्तों उसके अंदर एक नया अपडेट आया है, नए अपडेट्स के साथ नए फीचर को ऐड ऑन किया गया है। क्या नया अपडेट है, क्या नए फीचर को ऐड ऑन किया गया, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस आई टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ वन हैंड ऑपरेशन ऐप के बारे में जो कि गुडलक मॉड्यूल है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल के गुडलक वाली ऐप में। गुडलॉक ऐप में जाने के बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर आप देखेंगे आपको वन हैंड ऑपरेशन ऐप में जाना है। तो यहाँ लाइफ अप में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपको मिल जाएगा वन हैंड ऑपरेशन ऐप प्लस। यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और गो टू स्टोर पर चले जाना है। मोर पर क्लिक करके तो आप यहाँ पर देखेंगे एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। वो वहाँ पर नहीं दिख रहा है बट एक्चुअली अपडेट अवेलेबल है। नीचे की तरफ आएंगे, इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया, आज ही के दिन 23 नवंबर 2022 को रोल आउट किया गया है, जिसका साइज बहुत छोटा सा है, 6.33 MB का। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ नए फीचर यहाँ पर एड ऑन किए गए हैं। तो पहले तो कर लेते हैं इसको अपडेट, अपडेट के बाद देखते हैं क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पर एड ऑन की गई हैं। तो इसको देखते हैं अपडेट। फाइनली हो चुका है अपडेट। अपडेट में यहाँ पर आप सबसे पहले जो नया फीचर देखेंगे वो है एड शो स्लैश हाई टास्क बार फीचर। ये जो फीचर है सिर्फ गैलेक्सी फोल्ड्स और टैबलेट्स में ही चलेगा, मतलब अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो ये आपको यूज के लिए नहीं है, लाइक मेरे लिए भी ये काम का नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, फिक्सेस किए गए हैं, जो भी कुछ बग्स थे इसके पहले वाले अपडेट्स में उसको फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पर क्या फिक्स किया गया है, फिक्स फ्लैश लाइट ब्राइटनेस इशू, फ्लैश लाइट की जो ब्राइटनेस का इशू था उसको फिक्स कर दिया गया है। यदि आप फ्लैश लाइट यूज करेंगे तो उसका ब्राइटनेस का इशू नहीं रहेगा। जैसे कि मैं अगर लो मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर फ्लैश लाइट को सिलेक्ट कर लिया, फ्लैश लाइट बोले तो टॉर्च को मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, और जब भी मैं ऑन करूंगा तो उसकी ब्राइटनेस का कोई इशू नहीं रहेगा और सही से ये काम करेगा। तो सबसे पहला फीचर यही था। उसके बाद दोस्तों सेकेंड क्या किया गया है, फिक्स आइकन विजिबिलिटी इशू इन क्यूक टूल। अगर आप क्यूक टूल्स को यूज करते हैं तो जो भी आइकन की विजिबिलिटी थी थोड़ी कम हो रही थी, जो भी कुछ प्रॉब्लम थी उसको यहाँ पर रेक्टिफिकेशन कर दिया गया, अब आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल दिखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड अपडेट यही था, इसमें फिक्स आउट कर दिया गया है। थर्ड क्या किया गया है, फिक्स विजार्ड पॉपअप लेआउट फीचर। तो अब विजार्ड पॉपअप क्या है, उसके लिए वापस मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने विजार्ड पॉपअप लगा लिया। तो अब देखेंगे इसका जो लेआउट यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया गया है, इसमें कुछ इशू था उसको यहाँ पर रेक्टिफिकेशन कर दिया गया है। ओवरऑल दोस्तों इसमें क्या किया गया है, अदर स्टेबिलिटी इम्प्रूव। ओवरऑल इस अपडेट में कुछ नए इम्प्रूवमेंट्स, मतलब नए फीचर सिर्फ फोल्ड और टैबलेट में लिए गए, और बाकी नॉर्मल में कुछ बक्सेस और यहाँ पर जो भी कुछ एरर थे उसको या जो भी प्रॉब्लम थी उसको रेक्टिफिकेशन कर दिया गया। तो ये अपडेट और बोल सकते हैं आप कि बग फिक्सेस और प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए था, बट फिर भी आपको अपने मोबाइल में उसको अपडेट करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो ऐप की जो चलने की परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी इंक्रीज होती है। तो दोस्तों यही नया अपडेट था, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है तो मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं, और चाहे तो आप मुझे फेसबुक पे भी डीएम कर सकते हैं जिसमें मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई दूंगा। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दो ताकि जल्द से जल्द मेरे 20K अब हो सके। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करें, और सबसे जरूरी चीज़ हो सके तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करो यार, फेसबुक पे मुझे फॉलो करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।